फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल 5G मैथड बाई राहुल शर्मा पे। मैं राहुल सर, आज से हम लोग लाभ और हानि शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग टाइप वाइज सवाल को देखेंगे। हर एक टाइप के दो सवाल आपको मिलेगा, है ना। एक सवाल हम बनाएंगे और एक सवाल आप लोग बनाएंगे और इस सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है, कोशिश रहेगी कि ये रेगुलर हो पाए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि का पहला टाइप आपका है, ये आप लोग लिख लेंगे। टाइप नंबर आपका वन होगा, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमने जो साइकिल खरीदा है उसका दाम है कितना, 1400। अब हमें इसे बेचना है तो हानि में बेचना है, वो भी हानि कितना है, 15%। तो उसका हमें विक्रय मूल्य निकालना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, समझिए। ऑप्शन ए है 1202, ऑप्शन बी है 1190, ऑप्शन सी है 1160 और ऑप्शन डी है 1000। समझिएगा कंसेप्ट, आप समझ लेंगे। एक बार कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से सवाल आपसे हल हो पाएगा। देखिए, लागत मूल्य अगर 1 रुपया हो, 1000 हो, 1 लाख हो, है ना, जितना भी हो, लागत मूल्य जो होता है ना मेरे भाई, लागत मूल्य हमेशा अपने आप में होता है 100%। न इससे ज्यादा होगा न इससे कम होगा। तो यहाँ पर दिया है लागत है इसका इतना जी, 1400। तो लागत मूल्य होता है अपने आप में 100% जो दिया है 1400। 0000 1% का वैल्यू निकल के आ गया भाई साहब कितना जी, तो 14। अब हमको उसे बेचना है हानि में और वो भी हानि है कितना जी, 15 का। तो देखिए, लाभ का मतलब होता है 100 से ज्यादा, हानि का मतलब होता है 100 से कम। तो 15% हानि का मतलब ये हुआ कि 100 में से 15 होगा माइनस, तो अगर माइनस होगा तो बचेगा कितना जी, 85%। तो 1 = 14 है तो 85 = निकालो, मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 5 = 70 के 0 + 7 = 7, 14 × 8 = 112 और 7 हो जाएगा 119, यानी आंसर हो गया मेरे लाल 1190 रुपया, अर्थात आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन बी नंबर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया हो। चलिए, यह है दूसरा सवाल आपके लिए है। प्रश्न एक बार हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि सुरेश ने एक रेडियो 80 रुपये में खरीदा, मतलब कि रेडियो का लागत 80 रुपया है, वह उसे कितना में बेचे, यानी विक्रय मूल्य निकालना है कि उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए, खरीदा है 80 में, खरीदा यानी लागत, लागत यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी बोलेंगे। तो लागत मूल्य जो होता है अपने आप में मेरे भाई सही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लागत मूल्य सुरेश का 100% है वही तो 80 रुपया है। भाई साहब, 0 से 0 गए, 1% = हम लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो 8/10, 1 = निकल के 8/10 आ गया। अब कह रहा है कि वह उसे कितना में बेचे कि 20% लाभ हो। लाभ का मतलब होता है 100 से ज्यादा, तो 20 लाभ का मतलब हो गया 120। तो 1 = 8/10 है तो 120 निकालने के लिए 120 से गुना, ये 10 से मेरे भाई जाएगा 12 बार में, 12 × 8 = निकल के आ गया 96, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे टाइप नंबर दूसरा। ये है भाई साहब आपका टाइप दूसरा है। टाइप वन में हम लोगों ने यह सीखा कि लागत मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अब देखिए, टाइप दूसरा कह रहा है किसी वस्तु को 651 रुपया में बेचने पर
7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। मतलब कि आपने एक वस्तु को बेचा है और बेचने पर यदि आपको 7% का लॉस हुआ है तो हमें उस वस्तु का सीपी निकालना है। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला। एक वस्तु को हमने बेचा है, विक्रय मूल्य है 651, तो हानि हुआ है जी 7% का, तो हमें उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए, बेचते समय 751 रुपया में बेचते समय 7% हानि हुआ, तो 7% हानि का मतलब ये हुआ कि 100 से ज्यादा मिला होगा कि 100 से कम मिला होगा। तो 7% लॉस का मतलब होता है 100 से कम, तो 7 हानि का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति को मिला होगा भाई कितना जी 93%, जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य में भाई कितना, तो 651 रुपया। भाग देंगे तो ये जाएगा एक बार में और ये इससे जाएगा 7 बार में, 1% का वैल्यू आपका निकल के 7 आ गया। क्रय मूल्य निकालना है, ये तो अपने आप में 100% होता है, तो अगर 1 का वैल्यू 7 है मेरे भाई, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 100 × 7 यानी कि 700, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में आ रही होगी। दूसरा, ये आपका दूसरा सवाल है, देखेंगे। सवाल है कि एक कार को 64,000 में बेचने पर राव को 20% की हानि हुई तो उस कार का लागत मूल्य है। देखिए, हमने बेचा 64,000 में तो हमें 20% लॉस हुआ, तो इस हिसाब से हमें उसका लागत निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो समझिएगा भाई साहब, जब आपने 64,000 में बेचा तो 20% लॉस हुआ, तो 20 लॉस होने का मतलब 120 मिला होगा कि 80 मिला होगा। तो देखिए, लॉस माने 100 से कम और जब लाभ होगा तो 100 से ज्यादा, तो 20 लॉस होने का मतलब है 80%। तो जो उस दुकानदार को 80% मिला है वही तो यानी 64,000 रुपया है ना, 0 से 0 और ये जाएगा 8 से 8 बार में। मेरे भाई 1% का जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 800। हमें लागत निकालना है, लागत तो मेरे लाल अपने आप में 100 होता है, तो 1 = 800 है मेरे भाई, तो 100 = 800 × 100 यानी आंसर होगा कितना जी 80,000 रुपया बस। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ रहे होंगे। ये आपका टाइप अगला होगा, थर्ड होगा सवाल, हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक आदमी ने अपना ठेला 720 रुपए में बेचा, ठेला को 720 रुपए में बेचा, उसे 25% की हानि होती है। मतलब एक घटना उसे घट गई है कि जब उसने ठेले को 720 रुपए में बेच दिया तो उसे हुआ क्या है, 25% का लॉस हुआ है। तो वो सोच रहा है कि 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य है, अगर हानि के न बदले अगर हमें उसे लाभ में बेचना होता तो उसका विक्रय मूल्य होता। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, समझिएगा। सॉरी, देखिए 720 रुपए में बेचा है तो उसे हुआ क्या है जी 25 हानि। 25 हानि का मतलब 75 की 125, तो 25 हानि का मतलब होगा कितना जी 75%, यानी कि उसे जो 75% रुपए मिले हैं वही तो 720 रुपए हो रहे हैं भाई साहब। 1% = हम इसे लिख सकते हैं इधर ले जा करके कि 720 बटा में 75 रुपया, 1 = कितना आ गया 720 बटे 75। अब वो सोच रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए अगर हमें उसे बेचना हो जी 25% लाभ में, तो 25 लाभ का मतलब होता है मेरे लाडलो 125%। तो जब 1 = 720/75 है तो 125 निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, 25 × 75, 25 × 125 और ये जाएगा 3 से
24 बार, 24 गुने 5 यानी 120 अर्थात 1200 रुपए विक्रय मूल्य निकल के आ रहा है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बहुत सिंपल है ये जो सवाल है, बहुत सिंपल है। एक घटना घट गया है, दूसरा घटना घटा दे रहा है, यही तो है आपका सवाल। देखिएगा, एक वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है, तो करें 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु निम्न भाव पर बेचने होंगे। मतलब कि जब उसने 105 रुपए में बेचा है तो 9% का लॉस हुआ है, तो 30% लाभ लेना है तो उसका हमें सेलिंग निकालना है। सिंपल क्वेश्चन, 105 में बेचे हो, 9 हानि हुआ, तो 9 हानि का मतलब 109 हुआ कि 91 हुआ, तो 9 हानि का मतलब 91, तो जो उसे 91% रुपए मिले वही तो 105 हो रहे हैं ना मेरे भाई, डिवाइड नहीं होने वाला है, तो 1% बराबर आसानी से लिख सकते हो 105/91। अब ये सोच रहा है कि 30% लाभ लेना है, तो 30 लाभ का मतलब क्या होगा, 70 की 130, तो लाभ माने 100 से ज्यादा, अर्थात ये हो जाएंगे 130। 13 × 7 = 91, 13 × 2 = 130, 7 से जाएगा जी 15 बार, 15 × 10 बराबर आंसर 150, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने टाइप 1, टाइप दूसरा और टाइप पे तीसरा कंप्लीट किया। आपके पास जो भी बुक है, जो मैंने जिस वैरायटी का सवाल मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके पास बुक उपलब्ध है कोई भी, तो आप उसे बनाइए, फिर हम आगे कल इसके आगे का जो है टाइप 4, 5, 6 हम लोग अगले दिन देखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।